हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। आज है 7th ऑफ नवंबर 2019। तो मूव करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज। विलेज क्या होता है, एक यूनिट होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। बेसिकली आप देखेंगे कि पूरा कंट्री है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया है, डिवाइड किया गया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आसानी से हो सके। तो आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ मैं कि पूरे कंट्री को डिवाइड किया गया स्टेट्स में, और स्टेट्स को डिवाइड किया गया फिर डिस्ट्रिक्ट में, और फिर डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, मतलब कि जहाँ पर सरकार के ऑफिसर्स बैठते हैं और नीचे से जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम देखते हैं उनको ब्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और फिर उनको और डिवाइड किया गया तहसील्स में, फिर तहसील्स के अंडर बहुत सारे जो गाँव हैं उनके ऊपर एक तहसील होती है, वहाँ पर आते हैं एक यूनिट जिसको बोलते हैं विलेज। तो विलेज और रूरल और अर्बन में बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, रूरल वर्सेज अर्बन। अर्बन का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर के अलावा और कोई एक्टिविटी कर रहे हो, देन आपको अर्बन में काउंट किया जाता है। रूरल का सेंस होता है कि आप एग्रीकल्चर आपकी प्राइम एक्टिविटी है। अब इसका क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि किस इलाके को गवर्नमेंट वो अर्बन बोलना है, किसको हमें रूरल बोलना है। तो उसका जो 75% वहाँ पर मेल हैं उस इलाके में, अगर वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं तो उसे अर्बन में क्लासीफाई कर दिया जाता है। उसके बेसिस पर फिर पंचायत एंड ऑल दोज थिंग्स कम्स। लेकिन हमें इसमें समझना होगा विलेज एक छोटी यूनिट है जो कि अपने आप ट्रेडिशनली डेवलप हुई है, और उसको अब उसको एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट दे दिया गया, क्योंकि आपको पता है पंचायती राज का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। तो जो पंचायत हैं वो जो लोएस्ट यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन की वो पहुँच गई, ठीक है। आप क्वेश्चन पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज हैज़ रिसेंटली इम्पोज स्वच्छता टैक्स ऑन सेल्फीज। तो आप लोगों ने सुना होगा सेल्फीज लेते हैं लोग मोबाइल से, मतलब अपनी फोटो अपने मोबाइल से ही, दैट इज़ अ सेल्फी, मतलब सेल्फ वाला। तो उस पर एक स्वच्छता टैक्स लगाया किसी एक गांव ने, तो उसका मतलब क्या है। एक विलेज है जो कि गोवा में है, गोवा एक स्टेट है, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक विलेज है जिसका नाम है पारा। उस गांव ने क्या किया है, क्योंकि उसका जो नेचुरल व्यू है उस गांव के आसपास का, उसे दो लोग जो टूरिस्ट लोग हैं वो देखने आते हैं, तो उन्होंने उसे एक इनकम का जरिया बनाने की कोशिश की है। उसमें क्या किया है कि उन्होंने उस विलेज में जितने भी जगह हैं जहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है या फिर जहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं सेल्फी वगैरह लेने के लिए, उन सबको पॉइंट आउट कर दिया कि यहाँ पर इतना पैसा लगेगा, यहाँ पर इतना पैसा लगेगा। ये जस्ट एक फ़नी फैक्ट टाइप से है, लेकिन आप इसे इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैंने इसे डाल दिया क्वेश्चन, ठीक। तो ये कहाँ पर है, ये मैंने बताया गोवा में है, और ये गाँव का नाम है पारा गाँव, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए। इसमें ध्यान रखना, इसमें अलग अलग रेंजेज हैं, जैसे कि 500 रुपये कहीं पर हैं, कहीं पर 1000 रुपये, उस टाइप से लोकेशन के हिसाब। अब देख लेते हैं कि ये जगह कहाँ है। मैप में आप देख पा रहे हैं कि ये गोवा है इंडिया का स्टेट, उसके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और ये वाला आप देखेंगे एक बार डेज, ये इसमें एक गाँव है, ये वाला सब डिस्ट्रिक्ट है। बेसिकली सब डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट को भी आप छोटे छोटे पार्ट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बांट सकते हैं। उसके बाद क्योंकि स्टेट में जो ये वाला एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो हर स्टेट में थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन मोर और लेस सेम ही रहता है जो मैंने आपको बताया अभी, स्टेट ब्लॉक्स एंड ऑल दोज, ठीक है। तो सब डिस्ट्रिक्ट में एक है ये बारदेज करके, जो कि आप देख पा रहे हैं ये कैपिटल है पणजी, उसके जस्ट ऊपर है इधर वाले इलाके में ये कैपिटल है, ठीक है। और ये वाला इलाका यहाँ पे देखेंगे तो ये है अरेबियन सी, और ये मुरमागाँव, ये क्या है पोर्ट है ये, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर टू, हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड 5th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल एट कोलकाता। तो कोलकाता एक इंडिया का शहर है जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल स्टेट है। कोलकाता जो इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, तो 1911 में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था, उससे पहले जो कैपिटल थी वो थी वेस्ट कोलकाता, उस समय से कलकत्ता बोला करते थे, इसको बाद में नाम चेंज किया गया इसका कोलकाता, ठीक है। तो ये लोकेशन के बारे में आपको पता है। देन इसमें पूछा गया 5th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, तो पूरी दुनिया से जो इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में लोग इनवाइट किए गए साइंटिस्ट और डिग्नेटरी, उन्होंने अपने अपने व्यू रखे कि आज की दुनिया में साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है, और कैसे जो गवर्नमेंट्स हैं उसका यूज़ करके
लोगों के वेलफेयर में काम कर सकती हैं। तो इसको इनॉग्रेट किसने किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इनॉग्रेशन किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, मतलब दिल्ली से ही उन्होंने किया है इसका इनॉग्रेशन। और बाकी लोग जो मैं ऑप्शंस में डाले उनके बारे में भी देख लेते हैं। जो फर्स्ट वाले ओम बिरला, ये स्पीकर हैं इंडिया के। स्पीकर का मतलब पार्लियामेंट है, उसके दो भाग होते हैं, लाइक दो सदन बोल सकते हैं उन्हें आप, दो हाउस इंग्लिश में बोलते हैं उसे। तो एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो जो चेयरपर्सन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट हो जाता है अपने आप ही, एक्स ऑफिशियो बोलते हैं इस टर्म को। मतलब एक आप दूसरी पोस्ट लेंगे तो उसकी पोस्ट की वजह से आप और किसी पोस्ट पे अपने आप हकदार हो जाते हैं, तो एक्स ऑफिशियो बोल देते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट इस पोस्ट के लिए हैं राज्यसभा के लिए। तो लोकसभा के लिए हम एक अलग से इलेक्ट करते हैं बंदे को, जिसका नाम है, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं। और अभी कौन है, ये है ओम बिरला, ठीक, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और दूसरा ऑप्शन देखेंगे बी रामनाथ कोविंद, ये इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, एक फैक्ट इनके बारे में, इनके बारे नहीं प्रेसिडेंट के बारे में, ये इंडिया के फर्स्ट सिटीजन होते हैं, पहली चीज़। दूसरा जो फिफ्थ चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 52 से 78 जो आर्टिकल है उसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स हैं, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तीसरा मैंने ऑप्शन बताया नरेंद्र मोदी, जो कि कौन है, प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, ये गुजरात से बिलोंग करते हैं, ठीक। और फोर्थ हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ये हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया के। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एवर बिम्स्टेक पोर्ट कंक्लेव हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये जो बिम्स्टेक है ये क्या चीज़ है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए आप, जो कि आप इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट पे, यहाँ पे बहुत सारी कंट्री हैं जो कि जिनको साउथ ईस्ट नेशन बोलते हैं हम लोग। अब इसमें आसियान एक वर्ड आता है जिसमें 10 कंट्री शामिल होते हैं, लेकिन 10 में से 2 कंट्री हैं जिनको कि इंडिया ने इसमें पार्ट दिया है। बाकी कौन से हैं, जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया। अब साउथ एशिया से मेरा मतलब क्या है इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। साउथ एशिया में ये सब कंट्रीज आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करिए, अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव, ये 8 कंट्री हैं। एक्चुअली इनको मिला के एक ग्रुप बना था जिसको बोलते थे सार्क, लेकिन जैसा कि पता है कि इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो उनमें बार बार उतार चढ़ाव रहते हैं। उसकी वजह से क्या किया, इंडिया ने सार्क में इतना फोकस करना बंद कर दिया है। अब इंडिया फोकस कर रहा है पूरा बिम्स्टेक पे। तो बिम्स्टेक में 2 मेंबर्स हैं जो कि सार्क में से निकाल दिए हैं, उनमें से अफगानिस्तान और पाकिस्तान प्लस पाकिस्तान, इनको बाहर कर दिया है। और ऐड किसको किया है, थाईलैंड एंड म्यांमार। म्यांमार का पहला नाम क्या था, पुराना नाम क्या था, बर्मा। ओके, तो ये कंट्री थे। अब इसमें जो मालदीव है ये भी शामिल नहीं है, ध्यान रखना। बिम्स्टेक में 7 मेंबर्स हैं टोटल, ठीक। इनका जो, चूंकि आप इधर वाला रीजन देखेंगे, ये वाले रीजन में वाटर बॉडी से अटैच है सारा रीजन, तो इनमें क्या है, बेसिकली कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा जो इनका आस्पेक्ट है वो, उसको बेसिकली सॉल्व करना चाहते हैं। वो क्यों करना चाहते हैं, आपको पता है कि इंडिया एक बड़ा मार्केट है, प्लस आसपास के रीजन्स को भी कनेक्ट करेंगे, तो उसके बाद जो बिज़नेस आस्पेक्ट है उस पर हम लोग नज़र रख पाएंगे, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी, जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ेगा तो उसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं, जैसा कि रिलेट कर पाएँ आप, तो SDI वगैरह ये सब बढ़ेगा, तो जो रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो इंडिया का थोड़ा सा डेवलप नहीं है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न रीजन, तो उसमें भी प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो जो इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब भी कम होंगी, ठीक। और इसमें जब म्यांमार जैसे कंट्री का एंगेजमेंट रहेगा तो क्या रहेगा कि इंडिया, चूँकि आप नॉर्थ ईस्ट का मैप देखेंगे, तो आप, ये मैं मैप बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 7 सिस्टर्स बोलते हैं ना, ये 7 जो स्टेट्स हैं, ये वाला जो रीजन है ये म्यांमार है। आप लोगों को जान के ये हैरानी होगी कि म्यांमार इंडिया का पार्ट था 1935 तक,
1935 का जो एक्ट आया था ना, उसके बाद म्यांमार अलग कंट्री हो गया, लेकिन ट्रेडिशनली पार्ट नहीं था, ट्रेडिशनली अलग ही था क्योंकि ट्राइबल पीपल रहते थे। लेकिन जब इंडिपेंडेंस वाला पूरा स्ट्रगल चल रहा था तो उसमें साथ साथ इनकी लड़ाई हुई थी, जो कि 1926 के बाद म्यांमार को जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया में मिला लिया था और दिल्ली से उसका शासन चलता था, दिल्ली से मतलब 1911 के बाद। ठीक, तो ये वाला रीजन म्यांमार का रीजन है। तो अब इस वाले रीजन में क्या है, इतनी प्रॉस्पेरिटी नहीं है पहली चीज, तो इसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो यहाँ पर ट्रेड बढ़ेगा, कॉमर्स बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो अच्छे से डेवलप हो पाएगा, पहली चीज। दूसरा कि यहाँ पे कोई बड़ा पोर्ट नहीं है जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ बांग्लादेश नाम का एक कंट्री है, तो बांग्लादेश कंट्री की वजह से इंडिया का कोई भी स्टेट है उसके पास पोर्ट नहीं है, जो कि बांग्लादेश के पास पोर्ट चले गए हैं, जो कि ढाका पोर्ट है या फिर चिटगांव पोर्ट है। तो जो कोलकाता वाला पोर्ट है वो यहाँ से म्यांमार में आप जो सितवे पोर्ट है या फिर और भी पोर्ट हैं वहाँ पे आप सप्लाई कर सकते हो, और फिर वो जो नीचे वाला पोर्शन है इंडिया का, मिजोरम एंड ऑल दोज, वहाँ से एंट्री ले सकते हैं, जो कि बहुत आसान पड़ता है वाटरवे से, रादर देन कि आप जो जो नेशनल हाईवे के थ्रू जाएंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, और वैसे दूसरे तरीके से जाएंगे तो बांग्लादेश कंट्री बीच में आ जाता है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इन सब को सॉल्व करने के लिए इस टाइप के कंक्लेव आयोजित किए जाते हैं। तो ये कहाँ हुआ है ये पूछा गया है, तो ये विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में एक सिटी है वहाँ पे हुआ है। ओके, तो आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, ये वाला एपी है। ठीक, तो क्वेश्चन थ्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और क्वेश्चन फोर को देखेंगे आप, पॉलीपेडर्स बेंगलिसिस जो कि न्यू डिस्कवर्ड फ्रॉग स्पीसीज है वो किस स्टेट में पाई गई है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें पीछे दिया हुआ है बंगाल दिया गया, तो वेस्ट बंगाल इससे साफ दिख जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये सब स्पीसीज के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो गया कि एक बार जो जीन लॉस हो गई तो उसके बाद फिर रिकवर करना बहुत आसान नहीं होता है। इसलिए जितनी भी स्पीसीज हमें दिखती हैं तो हम उनको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कल के एडवर्स कंडीशंस लाइक क्लाइमेट ज़्यादा हार्श हो गया, देन ये वाली क्या पता जीन्स सस्टेन कर पाए उस वाले क्लाइमेट्स में, इसलिए इनको कंजर्व किया जाता है और सारी स्पीसीज का इन्वेंट्री बनाई जाती है कि इनका कहाँ से हेरिडेटरी रिलेशंस कहाँ पे, इसलिए इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन फोर का करेक्ट होगा ऑप्शन सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, विच स्टेट असेंबली हेल्ड स्पेशल सेशन फॉर कमोमरेट द 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बाबा गुरु नानक। तो बाबा गुरु नानक ये सिख जो रिलीजन है उसके फर्स्ट फर्स्ट गुरु हैं, पहली चीज। दूसरा, इनकी 550वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके लिए एक असेंबली है, स्टेट असेंबली, उसने स्पेशल सेशन रखा है। तो स्टेट असेंबली मतलब विधानसभा जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसमें एक स्पेशल सेशन रखा है, तो ये रखा है पंजाब की सरकार ने, तो ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन फाइव का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। मूव करते हैं क्वेश्चन सिक्स, विच इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैज प्लेड मोस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल T20 इन मेंस कैटेगरी फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए T20 क्रिकेट, ये इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे IPL एंड ऑल दोज होते हैं तो वो इंटरनेशनल नहीं होते। ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो T20 मैच है इंडिया की तरफ से किस प्लेयर ने खेले हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये अब बन गए हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने 99th मैच खेले हैं, और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था MS धोनी का, जिन्होंने 98 मैच खेले हैं 2020। T20 मतलब 20 ओवर्स का ये मैच होता है। ठीक है, एक बार एक जो टीम है वो 20 ओवर्स खेलती है, देन दूसरी टीम भी 20 ओवर्स खेलती है। ये नया फॉर्मेट है जो कि अभी आया है। तो तीन फॉर्मेट कौन कौन से हैं वैसे, एक टेस्ट क्रिकेट है, एक ODI जिसको बोलते हैं वनडे इंटरनेशनल, और तीसरा T20। ठीक, ये तीन फॉर्मेट हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ICC द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है दुबई में, और दुबई कहाँ है, UAE में, और UAE कहाँ पर है पता है, मिडिल ईस्ट में, ये बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी। एक पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके पहले जो अभी अध्यक्ष थे वो थे रामविलास पासवान, उन्होंने अब इसका जो जिम्मा है वो अपने बेटे चिराग पासवान को दिया है, और अब जो प्रेसिडेंट बने हैं नए लोक जनशक्ति पार्टी के वो हैं चिराग पासवान। तो क्वेश्चन सेवन का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी,
और रामविलास पासवान कौन है, ये फूड मिनिस्टर है, फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, फूड प्रोसेसिंग नहीं सॉरी, फूड डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर। ठीक, तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड दिल्ली यूथ पार्लियामेंट। तो दिल्ली में क्या है कि जो उनकी असेंबली है वहां पर जो 150th एनिवर्सरी है महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी, मतलब जन्म दिवस, जन्म से उनके 150 साल पूरे हुए उसकी याद में ये इवेंट मनाया जा रहा है। इसमें क्या है कि जो 18 टू 25 इयर्स के जो बच्चे हैं जो कि दिल्ली के स्कूल्स में पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बेसिकली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं ये, इन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। इन लोगों को इसमें एज अ मिनिस्टर लाइक पोर्ट्रेल करना है और उसके बाद फिर एक पार्लियामेंट का सेशन होगा जिसमें कि जो कि असेंबली के अंदर ही होगा। तो उसे इनॉग्रेट किसने किया है, उसे इनॉग्रेट किया है अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ होम मिनिस्ट्री विच स्टेट हैज इमर्ज एज द मोस्ट वायलेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन 2018-19। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आती है ऑन एनुअल, मतलब कि होम मिनिस्ट्री है जो कि पूरे कंट्री के जो स्टेट्स हैं उन पर नज़र रखती है। ठीक, ये होम मिनिस्ट्री है, HM लिख देता हूँ मैं इसे। ठीक, और ये स्टेट है। अब इसमें जितना वायलेंस चल रहा है वो सब चल रहा है उसका रिकॉर्ड होता है इनके पास, किसके पास, होम मिनिस्ट्री के पास। तो ये साल के बेसिस पे, मतलब एनुअल, एनुअल मतलब सालाना। ठीक है, तो सालाना क्या करते हैं, ये रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट कैसे देते हैं कि जैसे पूरे साल में जो भी रहा उसे कंपाइल करेंगे देन उसे साल के अंत में उसे रिलीज कर देंगे। तो वो जो रिपोर्ट आई है उसमें ये पूछा गया है कि मोस्ट वायलेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो नॉर्थ ईस्ट में मैं बोल रहा था कितने स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स थे। तो उन स्टेट्स में से, इसमें पूरे इंडिया का नहीं पूछा है ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्टर्न उसमें से पूछा। नॉर्थ ईस्टर्न मतलब नॉर्थ, ये देखो नॉर्थ, ये ईस्ट, ठीक है, ये क्या हुआ नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, तो इसके बीच में क्या आएगा नॉर्थ ईस्ट। तो ये वाले कंट्रीज हैं जो, ये वाले सॉरी स्टेट्स हैं इंडिया के जो कि आसाम, कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूँ इधर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, एक और रह गया जैसे त्रिपुरा। ठीक है, ये स्टेट्स हैं त्रिपुरा। तो इनमें देखेंगे तो 2, 4, 6 और 1, 7, तो ये वाला जो स्टेट है मणिपुर, ये सबसे वायलेंट स्टेट इसमें रहा है, क्योंकि इसमें क्या है बेसिकली जो 252 केसेस दर्ज किए गए वायलेंस के, जिनमें से 127 खाली मणिपुर से हैं। तो जो एंटायर नॉर्थ ईस्ट है उसमें का भी हाफ 50% अराउंड किस में है, इसी में है, मणिपुर में। तो मणिपुर को सबसे वायलेंट स्टेट घोषित किया गया है नॉर्थ ईस्ट का, किस में, एनुअल रिपोर्ट आती है जो होम मिनिस्ट्री की। तो क्वेश्चन 9 है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आप देख पा रहे हैं इंडिया के मैप में ये वाला रीजन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यहाँ से ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बोलते हैं इसे। ठीक है, इसमें ये वाला स्टेट देखिए, ये मणिपुर, इसकी कैपिटल है इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा आप लोगों को याद रखना है, ईटानगर, आसाम, देन इन सबकी कैपिटल्स भी याद रखनी है, मिजोरम, आइजोल। तो इम्फाल किसकी कैपिटल है, मणिपुर की। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फ्रीडम ऑफ ऑन नेट रिपोर्ट फॉर ईयर 29, मतलब 2019 के लिए जो एक रिपोर्ट है फ्रीडम ऑन नेट, नेट मतलब इंटरनेट, इंटरनेट पे कितनी आपको आज़ादी है उसकी बारे में रिपोर्ट है, उसका टाइटल रखा गया, मतलब कोई रिपोर्ट आई है जैसे पन्ने बने हैं तो पहले पन्ने पर ऊपर क्या लिखा हो, जो टाइटल होता है ना सब्जेक्ट टाइप से उसको बोल रहे हैं टाइटल। ठीक है, द क्राइसिस ऑफ सोशल मीडिया, ये यहाँ पे लिखा है बुक के ऊपर, जैसे आपने देखा हो कोई बुक लिखी है इसमें यहाँ लिखा रहता है ना कि ये भारत का इतिहास या फिर समथिंग पॉलिटी मतलब प्रशासनिक सेवा ऐसे कुछ लिख दिया उसमें, उसके अंदर पेज होते हैं उनमें चीज़ें लिखी जाती है, तो ऐसे रिपोर्ट के अंदर चीज़ें लिखी होंगी लेकिन उसका टाइटल जो होता है ना शुरुआत वाले पेज पे, वो वाला क्या है, द क्राइसिस ऑफ सोशल मीडिया। तो ये बात भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कभी भी
के जो फ्रीडम ऑफ नेट जो रिपोर्ट है वो 2019 वाली, जो कि हर साल होती हैं ऐसी रिपोर्ट्स, जो कि साल से साल देखते रहते हैं कि चीज़ें चेंज होनी है कि नहीं, तो उसका टाइटल रखा है वो क्या हो सकता है, तो क्राइसिस ऑफ सोशल मीडिया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसमें पूछा गया ये किसने रिलीज़ किया, मतलब ये वाली जो रिपोर्ट है जो मैं बता रहा था, इसमें इसको किसने बनाया है, किसने रिलीज़ किया बनाने के बाद, तो ये किया है द फ्रीडम हाउस, ये एक NGO है। ठीक है, तो उसने ये चीज़ की है। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट कोटा फॉर इकोनॉमिक माइग्रेंट, जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, मतलब किसी काम के लिए, उनके लिए कोटा सिस्टम स्टार्ट करने जा रही है गवर्नमेंट। एक कंट्री है, उस कंट्री का आपको नाम बताना है, तो वो कंट्री है फ्रांस। ओके, तो क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी। इनके ये कहाँ पर है, यूरोप में पड़ता है। इसके लिए आप लोगों को मैंने ट्रिक्स वाली जो वीडियो बनाई है उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे यूरोप, यूरोप के कंट्रीज बस रह गए हैं, बाकी कंट्रीज ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यूरोप वाली कंट्री हैं उनमें फ्रांस एक कंट्री है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इनका बहुत इंपॉर्टेंट, और फ्रांस की क्रांति उसे कौन भूल सकता है, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, उसका दुनिया में बहुत इम्पैक्ट पड़ा, उसके बाद जो सोशलिस्ट जैसे वर्ड हैं, इक्वलिटी लिबर्टी ये सब वर्ड आए, ठीक है, दुनिया के जो परिप्रेक्ष्य में आए, उसके बाद से चीज़ें बदलीं, देन उनसे इंस्पायर होकर बहुत सारी और क्रांतियाँ हुई, और आज का जो समाज है उसका बहुत इम्पैक्ट है, उस पर इतना इम्पैक्ट है फ्रांस की क्रांति का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। फ्रांस कहाँ पर है, यूरोप में, ये याद रखना है, और ये क्वेश्चन तो याद रखना है आप लोगों को कि क्या डिसाइड किया है उसने कोटा देने के लिए इकोनॉमिक माइग्रेंट्स को, तो वो है ऑप्शन सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च जॉब हेल्पलाइन नंबर फॉर यूथ ऑफ द स्टेट, तो दो स्टेट के जो यूथ हैं उनके लिए जॉब हेल्पलाइन स्टार्ट की है, तो वो कौन सा स्टेट है, तो वो है पंजाब स्टेट। उसने क्या किया है कि जो पढ़े लिखे जो यूथ हैं उनको रोजगार नहीं मिल पाता, इसलिए घर घर यूज घर घर रोजगार, ये एक स्कीम है, ये किसकी है, पंजाब सरकार की। तो उसके अंदर इन्होंने ये चीज़ लॉन्च की है कि हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने किया। इसके तहत क्या होता है कि या तो रोजगार मेले लगाए जाते हैं, या फिर जो पोर्टल बना दिया जाएगा जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है सारी, जिससे कि बच्चों को पता चलता है कि, दूसरा आपको रजिस्टर करना पड़ता है तो देन उसके बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, तो वो उस पोर्टल पे क्या है, उस पोर्टल के थ्रू करेंगे तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा पैसा। इस टाइप के इनिशिएटिव लिए गए जिससे कि बच्चों को जो भी जॉब्स हैं उसके बारे में पता चलता रहे, और प्लस उसके एप्लीकेशन में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और बाकी चीज़ें भी होती रहती हैं कि जैसे बीच बीच में बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आती रहती हैं, ये सब चीज़ें। तो इस चीज़ को याद रखना, घर घर रोजगार योजना, ये किसकी है, पंजाब सरकार की। तो उसी के अंदर एक इनिशिएटिव है जिसमें कि हेल्पलाइन नंबर उन्होंने किया है स्टार्ट, तो ये है पंजाब सरकार। तो क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मूव करते हैं क्वेश्चन 13, विच कंपनी और कोऑपरेटिव है इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट। तो प्लांट मतलब ये प्लांट है, मतलब पौधा। ठीक है, ठीक है, तो जो प्लांट का क्या होता है, इसे न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, जैसे इसकी जड़ है, इसको खाने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो उनको न्यूट्रिएंट बोलते हैं। वो कौन से होते हैं, वो NPK कैल्शियम एंड ऑल दोज होते हैं, जो कि टोटल 17 होते हैं। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले 17 होते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, ये सब शामिल होते हैं। ठीक, तो इसमें पूछा गया इसके लिए नैनो लेवल के जो बनाए गए न्यूट्रिएंट्स, जिससे कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहे। तो नैनो का मतलब क्या होता है, लेकिन मेजरमेंट की यूनिट है, मतलब जैसे मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, ऐसे ही नैनोमीटर होता है। तो नैनो का मतलब होता है 10^-9 मीटर। ठीक है, -9 मतलब बहुत ही छोटा हो गया। ठीक, तो ये बनाया है, ये जो न्यूट्रिएंट बनाया है, ये बनाया है इफको ने। इफको क्या है, कोऑपरेटिव है, जो कि यूरिया के आपने बैग देखे होंगे जो किसान परिवार से जो बच्चे, तो वहाँ पे, या फिर आपने कोई वो देखा होगा ऐड वगैरह इफको का आता रहता है। ठीक है, इफको के बैग्स उस पर लिखा रहता है यहाँ पे यूरिया वगैरह। ठीक है, ये कोऑपरेटिव है, जो कि सबसे बड़ी कोऑपरेटिव है इंडिया की। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो क्वेश्चन जो 13 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स जॉब कोटा फॉर लोकल ऑफ द स्टेट, मतलब जो स्टेट के जो लोकल्स हैं, मतलब लेट्स से ए स्टेट है जैसे यूपी मान लो, उसके जो लोग हैं उनके लिए
उनके स्टेट में जितनी भी इंडस्ट्री है उनमें आपको देना है जॉब, और उसके लिए आप कोटा सिस्टम कर दो कि 75% या 80% जो यहीं के लोग हैं वही लेने पड़ेंगे आपको। तो इस टाइप के जो कोटा सिस्टम होता है वो कौन कौन सी सरकार ने भी लागू कर रखा है। अब ध्यान रखना कि हरियाणा सरकार ऐसा प्रपोज कर रही है कि वो 75% कोटा के लिए लाएगी बिल की, वहीं के लोगों को रोजगार मिले, लेकिन बाकी जो सरकारें इससे पहले कर चुकी हैं उनके बारे में पूछा गया कि कौन कौन सी ने कर रखा है अभी, क्योंकि ये तो करने वाली है अभी। ये ध्यान रखना हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन आया है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ये चीज़ जिक्र किया है। और कर कौन कौन चुके हैं, गुजरात, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, ये तीनों कर चुके हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, द पर्सन और इवेंट्स इन द न्यूज, मतलब समाचार में जो व्यक्ति हैं या फिर जो घटनाएं बहुत न्यूज में हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है कैरी लैम, ये कौन है, ये हांगकांग, एक हांगकांग, ये कहाँ पर, चाइना का पार्ट है। यहाँ पे क्या है, ये हांगकांग एक जगह है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है मतलब जिसका जो यहाँ पे उसे चलाते हैं हांगकांग को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, जिनके प्रशासन प्रशासक हैं जो, वो हैं कैरी लैम। ठीक है, तो इनका नाम न्यूज़ में बहुत चलता रहता है, तो आप इस नाम को याद रखिए। तो ये किससे बिलोंग करती है, हांगकांग से, मतलब चाइना कंट्री से। ठीक, दूसरा आता है मौलाना फजलुर रहमान, ये पाकिस्तान में आपको पता है अनरेस्ट चल रहा है। पाकिस्तान में अनरेस्ट क्यों चल रहा है, क्योंकि एक शख्सियत है जिनका नाम है मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने क्या किया है कि बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट कर रखा है, किसके अगेंस्ट, इमरान खान गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो इमरान खान पाकिस्तान के पीएम हैं, उनके अगेंस्ट उन्होंने बोला है कि रेजिग्नेशन चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पूरा रैली निकाली है और प्लस पूरे इस्लामाबाद के आसपास लोगों को इकट्ठा किया और वो चीज़ कर, जिससे कि अनरेस्ट हो रहा है वहाँ पर। तो ये शख्सियत किससे बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से, ध्यान रखना इनका नाम। तीसरे हैं बोरिस जॉनसन, ये हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। ठीक है, तो ये ब्रेग्जिट की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, प्लस अब न्यू इलेक्शंस होने वाले हैं यूके में, तो उसकी वजह से ये न्यूज़ में बने रहते हैं। इन लोगों के नाम याद रखना आपको, कैरी लैम, मौलाना फजलुर रहमान और बोरिस जॉनसन। और डी आता है इवेंट, एक है चिली शंकर, मतलब चिली एक कंट्री है, आप देखेंगे लेट्स से दिस इज नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ से आप ऐसे ले जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका के बाद ये वाला कंट्री है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक कंट्री है, इसे बोलते हैं चिली। चिली कंट्री में क्राइसिस चल रहा है, क्यों क्राइसिस चल रहा है, कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, किस लिए, कि वहाँ की सरकार ने मेट्रो के प्राइस, मेट्रो में जो रेट्स लगते हैं फेयर के, वो बढ़ा दिए थे, उसके बाद से ये चीज़ इग्नाइट हुई और फिर बाकी जो भी इशू थे, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर डेवलपमेंट या फिर SDI जो लो जा रहा था, बाकी चीज़ें भी बाहर उभर के आ गई। इसकी वजह से क्या है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि वो रिजाइन करें, तो ये चीज़ें अभी न्यूज़ में चल रही हैं, तो इनको आपको ट्रैक करना है। ठीक, तो दोस्तों इसके साथ ही आज के करंट अफेयर खत्म होते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि डाउट नेट का जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल है प्लीज़ उस पर विजिट करिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।